बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो हमारी क्लास है इसके अंदर आपको कराची यूनिवर्सिटी, उर्दू यूनिवर्सिटी और आने वाली तमाम जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं एनएटी और दाऊद के बाद, उसके बारे में गाइड करना है। ठीक है, सबसे पहले देखें कराची यूनिवर्सिटी जो है वो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। ठीक है, इसके अंदर बहुत बेतहाशा फील्ड्स मौजूद हैं जो आप अपने हिसाब से आप ले सकते हैं। अब आप नोट डाउन ये करिएगा, वैसे तो मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर ली है, ये आपको मिल जाएगी रिकॉर्ड होके भी। देखिए बेटा, कराची यूनिवर्सिटी के अंदर आपको अलग अलग लोग मिलेंगे जो अलग अलग तरह से आपको बताएंगे कि यार इस साल मेरिट ये था, ये ओपन मेरिट है, ये क्लोज मेरिट है और एंटी टेस्ट सिस्टम है, इस तरह की बातें करेंगे। देखें सबसे पहले क्या होता है, अभी एडवर्टाइजमेंट जो आपके पास आएगा वो आएगा मॉर्निंग के लिए स्पेसिफिक। ठीक है बेटा, मॉर्निंग के टेस्ट होंगे, मॉर्निंग की अपनी फील्ड्स होती हैं, मॉर्निंग की अपने टेस्ट, अपनी फील्ड्स और अपना एग्रीगेट होगा इसका, यानी अपना जो मेरिट सिस्टम होता है। जब मॉर्निंग के टेस्ट खत्म हो जाएंगे एक पर्टिकुलर डेट पे, उसके बाद फिर आपके पास एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा ओपन मेरिट का। मॉर्निंग टेस्ट में क्या मतलब है कि कुछ फील्ड्स होंगी उसके लिए आपको 50 नंबर चाहिए टेस्ट में। ऑब्वियस योर परसेंटेज, आपकी परसेंटेज होगी कुछ 80-85 वो, और टेस्ट के 50 नंबर लोगे तो फिर आप एलिजिबल हो जाओगे उस पर्टिकुलर फील्ड के लिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो या तो टेस्ट की तैयारी करते नहीं है या टेस्ट उनका फेल हो जाता है, तो फिर उनके पास एक ईजी वे आउट होता है, ओपन मेरिट। अब ओपन मेरिट का क्या मतलब है, ओपन मेरिट का मतलब ये होता है कि इट इज ओनली ऑन योर परसेंटेज। चंद कुछ फील्ड्स हैं उस पे केयू ने रखा हुआ है कि भाई इतनी इतनी परसेंट, फॉर एग्जांपल 65 ले आओ तो ये तुम्हें मिल जाएगी, कोई टेस्ट नहीं देना, कुछ नहीं देना। ठीक है, तो मॉर्निंग हो गया आपका, ओपन मेरिट हो गया, और उसके बाद आखिरी आते हैं इवनिंग टेस्ट। ये सबसे लास्ट में होता है, ये हेल्ड होता है बिल्कुल दिसंबर के एंड में। इवनिंग के अंदर क्या होता है, अगेन कुछ फील्ड्स होती हैं उसका टेस्ट होता है, बाकी पे आपको ओपन मेरिट पे एडमिशन मिल जाता है। तो ये बेटा सिलसिला है कि तीन दफा आप लोग इसके अंदर अपीयर हो सकते हो, तीन दफा आपको केयू चांस देता है टेस्ट देने का। ठीक है, ये मैंने आपको पहली जो एम्बिग्यूटी थी आप लोगों के जहन में होती है वो मैंने आपको क्लियर करवा दी है। तो आज के बाद कोई भी आपको बोले कि यार इतने परसेंट था लास्ट ईयर ये था, तो उसे पूछ लीजिएगा कि भाई आप मॉर्निंग की बात करें, इवनिंग की बात करें, किस चीज की बात करें आप। ऑल राइट, अब सबसे बड़ा मसला कि जो अच्छी फील्ड्स हैं आपके पास कराची यूनिवर्सिटी के अंदर, जो के कह सकते हैं कि गोल्डन फील्ड्स कहलाती हैं, बेटा जाहिर है उसके लिए टेस्ट देना होता है। टेस्ट की पासिंग 50 नंबर होती है, 100 में से 100 एमसीक्यूज आएंगे आपके पास, 50 आपने लेने। सीम्स इजी कि यार चलो 50 निकल जाएंगे, बट ऐसा होता नहीं है। वाई सी, कोई भी आप टेस्ट देते हो किसी भी फील्ड का, कोई भी कुछ भी आपने पढ़ा हुआ, ये दो तो लाजमी है, 20% इंग्लिश, 20% जीके, यानी इन शॉर्ट 40 मार्क्स की ये आ गए, एंड रेस्ट जो 60 बनेंगे वो बेटा आपके सब्जेक्ट्स में से होंगे। किसी ने मैथ्स लिया है, किसी ने फिजिक्स है, किसी की केमिस्ट्री, कुछ भी है, वो 60 नंबर के एमसीक्यूज अलग और ये 40 नंबर के एमसीक्यूज आपके अलग बन रहे होंगे। थिंग इज के स्टूडेंट समझता है कि ये 40 निकालना बहुत आसान है या ये 50 निकालना बहुत आसान है। फर्स्ट थिंग, ना कैलकुलेटर है आपके पास, वहां पे कैलकुलेटर मौजूद नहीं है, और नेगेटिव मार्किंग भी केयू रखता नहीं है। पहली चीज ये बेटा कि जीके आपने जिंदगी में कभी भी नहीं पढ़ी हुई होती, तो इसके 20 नंबर तो वैसे ही आपके डामाडोल हो गए, बड़े शेकी से ये 20 नंबर है। नंबर टू, केयू की इंग्लिश का एक लेवल होता है, ये ऐसी नहीं है कि आपने कुछ चंद चीजें की, पास पेपर की और हो गया, ये 40 ने तो आपको टफ टाइम दे दिया, सही। अब रिमेनिंग जो आपके पीछे 60 बच रहे हैं, उसके अंदर अब कैलकुलेटर नहीं है आपके पास, उसमें कुछ सवाल फेडरल से आ रहे हैं, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ले दे के ये 50 निकालना ही स्टूडेंट के लिए बड़ा अजाब बन जाता है।
तो आज की क्लास का मकसद ये है कि आपको श्योरिटी मेक श्योर कराऊं कि सीरियस होके पढ़ लें, क्योंकि इसके बाद कोई और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी आपको। ओके, हमने यहाँ पे बात की टेस्ट की। अच्छा, कोई एग्रीगेट नहीं बनता है, सही है। अगर एक स्टूडेंट ये समझ रहा है कि उसकी परसेंटेज कम है लेकिन वो टेस्ट में अच्छे नंबर ले ले, तो बेटा केयू सिर्फ आपकी परसेंटेज पे एडमिशन देगा, बस और कुछ भी नहीं है। मतलब एक स्टूडेंट है, उसकी 90% है और टेस्ट में उसके 50 नंबर हैं। दूसरा स्टूडेंट है, उसकी परसेंटेज 55 है, इंटर में 55% है लेकिन टेस्ट में उसके 90 नंबर है, तो बोथ आर इक्वल। ठीक है बेटा, ये चीज ध्यान में रखिएगा कि केयू की नजर में आप दोनों इक्वल हैं। ऐसा नहीं कि उसको यूबीआईटी दे दी और आपको कोई बंगाली लैंग्वेज का कोई डिपार्टमेंट उन्होंने उठा के दे दिया, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। ओके जी, आगे देखते। अच्छा जी, डिपार्ट्स की बात करें तो कराची यूनिवर्सिटी में बेतहाशा डिपार्टमेंट है, बंदा खुद कंफ्यूज हो जाता है यार कौन सा डिपार्टमेंट लेना है। लेकिन चंद एक जो बहुत ज्यादा फेमस रहते हैं हमेशा, वो बायोटेक्नोलॉजी है, केयू का बीपीए, केमिकल इंजीनियरिंग है, फिर ये यूबीआईटी वाले दोनों। उसके अलावा यहाँ से अगर आप देखें तो फूड, मास कम्युनिकेशन, आईआर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा अच्छा डिपार्टमेंट है। तो ये 8-10 डिपार्टमेंट वो हैं जो कि एंटी टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट कहलाते हैं, जो कि अच्छे डिपार्टमेंट हैं, राइट। उसके लिए आपको टेस्ट देना पड़ेगा। ये मैंने एक लिस्ट शेयर की हुई है, ये अभी थोड़ी सी आपको नजर नहीं आ रही होगी लेकिन आपको एक आइडिया मिल जाएगा। और ये 2019 की है बेटा, सिर्फ मैंने आइडिया के लिए दी हुई है ये, अभी जब केयू की एडवर्टाइजमेंट आएगी तो वो इसको 2021 या 2022 अपडेट करके देंगे आपको, उसमें आपको पता चलेगा कि कौन सी फील्ड कितने पे। तो इस तरह से एकेडमिक क्लोजिंग लिखी हुई होती है, ये देखें कि लास्ट परसेंटेज कौन सी गई है और मिनिमम टेस्ट स्कोर कितने, यानी 50 और 40 चाहिए होता है। कुछ फील्ड्स के लिए 50 चाहिए होता है बेटा, कुछ के लिए 40 चाहिए होता है, सही है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा, हर चीज आपको अपडेट कर दी जाएगी ग्रुप्स के अंदर। ये मजीद कुछ क्लोजिंग परसेंटेज है आपके पास, ये देखें, ये था एडमिशन का टेस्ट बेस, नहीं देखें एंटी टेस्ट बेस, ठीक है। यानी आपके पास ये जितने डिपार्टमेंट लिखे हुए यहाँ पे, 1 से लेके ऑल 35 डिपार्टमेंट, ये टेस्ट बेस हैं। टेस्ट पास करोगे तो एडमिशन मिलेगा, राइट। अब यहाँ देखें क्या लिखा हुआ है, ओपन मेरिट। तो अभी कंफ्यूज मत होइएगा, ओपन मेरिट क्या है, टेस्ट नहीं देना, जस्ट आपकी परसेंटेज पे एडमिशन होगा। बट एक चीज यहाँ डिपार्टमेंट देख लें, बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी। अब आप यहाँ ढूंढते फिर हैं कि सर यहाँ यूबीआईटी कहाँ है, सर यहाँ केमिकल इंजीनियरिंग किधर चली गई। तो बेटा ये अच्छे डिपार्टमेंट कहाँ होंगे सारे के सारे, ये टेस्ट बेस में होंगे। ओपन मेरिट में बस इसी तरह के डिपार्टमेंट होते हैं कि चलो मिल गए तो मिल गए। फिर भी यहाँ पे आप परसेंटेज देखिए क्रिमिनोलॉजी की 64 point something है, सही है। ये भी वही आपके पास चल रहा है सारा। साइकोलॉजी का सवाल है, साइकोलॉजी कहाँ है, साइकोलॉजी बेटा देख लेते हैं इसमें। साइकोलॉजी यार इसी में देख लें आप यहाँ पे, या तो पी के अंदर कहीं पर आके सर्च कर लें, यहाँ पे फार्मेसी तो है, आई होप सो यहीं कहीं साइकोलॉजी भी होगी। मेरा ख्याल से अगर नहीं है तो फिर उसमें टेस्ट बेस में ही होगी वो। देखें इधर भी कहीं मेंशन नहीं है ये साइकोलॉजी, शायद देखें इवनिंग में आ जाए। ओके जी, अब हम आ गए यहाँ पे, अब हम देख रहे हैं कि भाई इवनिंग का मेरिट कैसा रहता है। तो ये इवनिंग, अब जाहिर है कुछ पर्टिकुलर फील्ड्स हैं जो कि इवनिंग में है, मॉर्निंग में नहीं है। बेटा मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को?
एक दो स्टूडेंट्स को इश्यू हो रहा है, मैं उनको टेक्स्ट कर दूं पहले। ओके हाँ जी, हम देख रहे हैं कि इवनिंग के अंदर क्या अब देखें, इवनिंग में परसेंटेजेस लो जाती हैं हमेशा। ये देखें कराची की, अगर आप देखें इवनिंग में आपको हमेशा परसेंटेज लो मिलेंगी। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि इसकी टाइमिंग का इशू है। ये 3 बजे से रात को ऑनवर्ड इसकी क्लास जो होती है ना, बस बेटा इसकी टाइमिंग का इशू होता है और इवनिंग लोग प्रिफर नहीं करते। डिग्री विग्री का कोई मसला नहीं होगा, सब चीजें सही होंगी, लेकिन यहाँ मसला जी बेटा साइकोलॉजी यहाँ पे है और इसकी हाईएस्ट परसेंटेज जाती है इवनिंग के अंदर। ये तो 2019 के हिसाब से कम लिखी हुई है, क्योंकि 2020 और में जो रिजल्ट आए थे ना वो 93-94 आए हुए थे, तो ये अभी अपडेट होगा, ये अपडेट होके आपको मिल जाएगा। तो इवनिंग में जिन्होंने एडमिशन लेना वो पहले मशवरा कर लीजिएगा, क्योंकि बेटा आपका मेजर टाइम यहाँ चला जाएगा, सब मेजर टाइम आपका, तो फिर जिंदगी में कुछ बचेगा नहीं आपके पास, राइट। तो ये हमने ओवरऑल देखा कि मॉर्निंग मैरिट बेस क्या होता है, ओपन मैरिट क्या है, इवनिंग का क्या मामला होता है, ठीक है, ये हमने सारा कुछ एक ग्लैंस में देखा। बात कर लेते हैं टेस्ट की। ये टेस्ट आप लोगों ने दिया होगा, जैसे एनईटी का आपने टेस्ट दिया होगा, इसके अलावा आपने टेस्ट दिया है किसी भी यूनिवर्सिटी का, तो ये उससे डिफिकल्ट होगा। ये बात तो लिख लें कि कराची यूनिवर्सिटी का टेस्ट मुश्किल आएगा। वजह सर जी कैलकुलेटर नहीं है आपके पास, पहला मसला। फिर ये इंग्लिश और जीके के जो 40 नंबर हैं, ये हर किसी से हजम नहीं होते, ये हर किसी से हजम भी नहीं होंगे। असल में होता ये बेटा कि जो इंटर बोर्ड का स्टूडेंट होता है वो जीके इंग्लिश वगैरह पढ़ता नहीं है। ये जो सवाल आपने पूछा क्या एमडी कैट से मुश्किल होगा, देखो एमडी कैट के अंदर जीके नहीं है, स्टेक आप देखो ना, हर चीज के 20-20 नंबर हैं, सबके 20 इक्वल नंबर हैं। ये जो 40 है ना आपके 40, ये तंग करेंगे आपको। अब एक स्टूडेंट जिसने ए लेवल्स पढ़ा हुआ या अखबार पढ़ता है या उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, वो यहीं से पास कर लेगा। मेरे कुछ स्टूडेंट के 78 नंबर भी हैं केयू के टेस्ट में, 72 भी हैं, हालांकि चाहिए सिर्फ 50 होते हैं। तो बेटा वो इस चीज के ऊपर वर्क करते हैं, वो स्टडी करते हैं, इसको पढ़ते हैं इसको। जब आप इसको पढ़ेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे और पूरे 3 महीने पढ़ाई, टेस्ट, ये सारी चीजें आप करोगे, तो इंशाल्लाह आप लोग भी 70+ पे चले जाओगे। ओके जी बेटा, प्रॉपर क्लासेस होंगी, सारी चीजें होंगी। अब वो सवाल के बच्चे कहते हैं कि नहीं सर जी, हम लोग तो बहुत शातिर दिमाग है, हम आइंस्टाइन है, तो सर हम घर में तैयारी करना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी। तो सेल्फ स्टडी कीजिए, कोई मसले की बात नहीं है। कुछ रिसोर्सेज हैं वो आप लिख लीजिए अपने पास। एक इंग्लिश की किताब आती है ब्रश अप योर इंग्लिश, कोई मेरे ख्याल से 250-300 पेजेस हैं इसके अंदर, ये एक किताब है। सेकेंड, हु इज हु एंड वॉट इज वॉट, ये यहाँ पे मैंने पिक्चर इसकी लगा दी है। ये जनरल नॉलेज की किताब है, सिर्फ जीके, ये सिर्फ जीके, ये सिर्फ इंग्लिश। और एनईटी के पूरे पास पेपर कर लीजिएगा, मतलब घर में अगर आप तैयारी करेंगे तो आपने एनईटी के पास पेपर निपटा लेना है। जब ये 3 काम आपके हो गए, उसके बाद फिर मार्केट से जाके खरीदिएगा डोगर या कारवान की किताब, सही है, क्योंकि जो आपके रिमेनिंग 3 सेक्शंस होंगे वो यहाँ से कवर होंगे। ये भी अच्छी खासी कोई 1000 पेजेस तक की किताब होती है, ये करनी है। उसके बाद आपने करना है गूगल, आपने गूगल में क्या करना है कि ये शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, हम एक बड़े सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल फिजिक्स का कोई न्यूमेरिकल आ जाता है तो सर वो तो 5 मिनट ले लेता है, आपके पास तो टाइम ही नहीं होगा, तो उसको आपने खुद से फिर सीखना है। तो ये मैंने आपको बता दिए जो जो रिसोर्सेज हैं बेटा, जो लोग घर में तैयारी करना चाहें तो वो यहाँ से कर सकते हैं। 100 MCQs आएंगे आपके पास पेपर में, और ऐसा भी हो सकता है कि शुरू के 5-10 सवाल आपसे पढ़े भी ना जाएं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 5-10 सवाल शुरू के हो सकता है कि वो फेडरल बोर्ड से उठा लें, क्योंकि KU के जो मॉक टेस्ट होते हैं, जो पास्ट पेपर है, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टेस्ट होता है KU का,
तो वो आपको टफ टाइम देगा। अब आप खुद सोचें, लास्ट चांस है आपके पास 100 एमसीक्यूज में से शुरू के 5 तो पढ़े ही नहीं जा रहे आपसे, ये वो मोमेंट होगा कि आप शटर हो गए, आप आगे कुछ कर ही नहीं पाएंगे। सही है, तो ये सब सीखना होता है। बार बार टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, लेक्चर्स लीजिए, अपने आप को इस काबिल कीजिए कि हाँ यार 50 है ना, मैं 70 का स्कोर करूंगा जाके, ठीक है, ये आपका लास्ट चांस होगा बेटा। ओके, हमारा जो पूरा कोर्स है, हम पिछले तकरीबन कोई 8 सालों से करवा रहे हैं कराची यूनिवर्सिटी की तैयारी। डिफरेंट सब्जेक्ट्स के आपको डिफरेंट टीचर मिलेंगे, कॉमर्स का बच्चा अलग टीचर से पढ़ रहा होगा, इंजीनियरिंग का बच्चा अलग पढ़ेगा। थिंग इज कि हमारे पास क्या मामला है कि एक आपको मिलेगा रिकॉर्डेड कोर्स, ये बना बनाया मिलेगा आपको, मतलब 0 से 100 इसमें तमाम चीजें आपको मिलेंगी, कोई आपने एफर्ट नहीं, घर बैठे देखिए, नोट्स बनाइए, लेक्चर लीजिए, और रोजाना रात को हुआ करेगी जूम पे क्लास, डबल बेनिफिट मिल रहा है, ठीक हो गया। और ये कि हमने स्टार्ट में डिस्काउंटेड ऑफर रखी थी, तो जो स्टूडेंट अभी इनरोल हो जाएंगे या रजिस्टर करवा लेंगे तो उनको ये बेनिफिट मिलेगा। सिर्फ वो स्टूडेंट जो किसी भी वजह से फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं या कोई भी टाइम का मसला, सिर्फ जीके और इंग्लिश लेना चाहते हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पे मेंशन कर दिए कब से क्लासेस शुरू होंगी और उसके क्या चार्जेस, ठीक है। मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे गिवन है 03412250911, आप इस पर मुझे व्हाट्सएप पर टेक्स्ट करके भी पूछ सकते हैं, मजीद बात कर सकते हैं, कोई गाइडलाइन लेनी है तो मैं बिल्कुल आपको मिलूंगा। ये अभी हमारे जो रिसेंट जो रिजल्ट आया एनईटी का, हमारे 2 स्टूडेंट्स, वैसे तो काफी सारे स्टूडेंट हैं लेकिन टॉप मोस्ट पे आपको जो स्कोर मिलेगा वो 82-81 है, और रिमेनिंग आपको ये 20 के अंदर जो हमारा टॉप स्कोर था। ये तो कराची यूनिवर्सिटी की हमने सारी बात कर ली। मेरा जो आज का एजेंडा था उसके अंदर मैंने आपसे बात करनी थी कि KU के स्टार्ट से लेके एंड तक, ठीक है बेटा। जिन्होंने अभी ज्वाइन किया उनके लिए बता दूं, 3 चांसेस होते हैं, मॉर्निंग टेस्ट, इवनिंग टेस्ट एंड ओपन मैरिट। 100 नंबर का टेस्ट है, 40 नंबर कंपलसरी है, मॉर्निंग की अलग क्लोजिंग होती है, ओपन मैरिट की अलग होती है, और इवनिंग बिल्कुल अलग होता है मामला, ठीक है। यहाँ मैंने टेस्ट की थोड़ी सी बात की भी है, जो बच्चे खुद से पढ़ना चाहते हैं उनके लिए रिसोर्सेज मौजूद हैं, और ये बाकी हमारा जो स्ट्रक्चर जो हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे अपनी प्रॉपर। अच्छा, अब इसके बाद जो स्टूडेंट स्पेसिफिकली मिडिल क्लास बैकग्राउंड है उनका, और उन्हें पता है कि भाई हमारे वालदैन जो हैं वो 1-1.5 लाख रुपए सेमेस्टर फीस नहीं पे कर सकते, तो ये अगला पार्ट वीडियो का उनके लिए, ठीक है। अब देखो बेटा, आपने KU से आपने टेस्ट दिया KU में, अनफॉर्चुनेटली कुछ होता है आगे पीछे, आपका KU में एडमिशन नहीं होता। अब आपके पास एक और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी बचती है जो आपको फेडरल की डिग्री देती, दैट इज वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी, इसे कहते हैं FUAST, FUUASD, सही, ये गुलशन के अंदर है। इस टाइम पे इसके 2 कैंपसेस रन हो रहे हैं और मेरे काफी सारे स्टूडेंट जो है उर्दू यूनिवर्सिटी में भी पढ़ रहे हैं। थिंग इज कि फॉर एग्जाम्पल, एक इंस्टेंस के एक बायो का बच्चा है, उसे फार्मेसी KU में नहीं मिली क्योंकि KU की फार्मेसी 90+ जा रही है, DPT नहीं मिली, साइकोलॉजी कुछ भी नहीं मिला, तो अब साल तो जाया नहीं करेगा वो अगर अकलमंद हुआ तो वो बच्चा क्या करेगा, वो उर्दू यूनिवर्सिटी में जाएगा, सर्च करेगा, हाँ जी फार्मेसी है यहाँ पे, तो उसे पता चलेगा जी बिल्कुल फार्मेसी का डिपार्टमेंट यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे देखिए फार्मडी लिखा हुआ है, एंड दिस इज टेस्ट बेस्ड। इसी तरह बायोकेमिस्ट्री ले सकते हैं। अब जिन बच्चों को कंप्यूटर लेनी थी, उन्हें कंप्यूटर KU में NED में कहीं नहीं मिली, नाउ एक चांस बचा आपके पास, ये रही कंप्यूटर साइंस, आप यहाँ ले लें। LLB करनी थी किसी को, वो भी मौजूद, बायोकेमिस्ट्री भी मौजूद। तो ये देखें, बस 4 या 5 डिपार्टमेंट टेस्ट बेस होंगे, बाकी सब ओपन मैरिट है आपके पास। BBA भी कर सकते हो भाई यहाँ से आप, इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। तो उर्दू यूनिवर्सिटी 2 चीज़ों की वजह से मैं रेफर कर, वो आगे जाके बताता हूँ कि प्रोज एंड कॉन्स क्या, पहले हम इसको और देख लेते हैं। तो टेस्ट का क्या मामला होता है, ये सबका सेम होता है, इंग्लिश 15%, IQ एंड GK 10%, ये सबका सेम है, ऑल, आप कोई भी ग्रुप के हो आपने ये देना है। उसके बाद आप अगर आ जाए, वर्चुअल की भी बात करता हूँ,
ये कॉमर्स वालों का है, ठीक है, इसी तरह इंजीनियरिंग के होंगे मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री, और बायो वालों का होगा बायो फिजिक्स और केमिस्ट्री होगा। सही है, यहाँ पे सब कुछ मैंने मेंशन किया हुआ, ये वीडियो भी आपको मिल जाएगी, कोशिश करूंगा स्लाइड भी भेज दूं आपको। तो थिंग इज कि ये वो यूनिवर्सिटीज हैं बेटा जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज होते हैं, ठीक है, यानी साल जाया नहीं करना एडमिशन लेने ले लेना आप लोग। अच्छा एक्सपेक्टेड कब तक है? तो एक्सपेक्टेड होता है कि KU का तो अभी आ जाएगा मेरा ख्याल सेप्टेम्बर के एंड एंड में, उर्दू यूनिवर्सिटी और KU इवनिंग बेटा ये नवंबर से दिसंबर तक जाते हैं, यानी एडवर्टाइजमेंट बता रहा हूँ अभी, तो और पता नहीं कि फ्लड की क्या सिचुएशन है, बट ये काफी लेट होगा ये। अच्छा ये तो हो गई आपके पास दो यूनिवर्सिटीज। अब एक स्टूडेंट का मैसेज आया वर्चुअल यूनिवर्सिटी का बता दें, आई डोंट नो कि आप में से कितने लोग लोगों ने इसको देखा है वर्चुअल यूनिवर्सिटी का। वर्चुअल के बहुत सारे कैंपसेस हैं, बहुत सारी जगह पे ओपन है वर्चुअल, ये एक ऑनलाइन यूनिवर्सिटी है, ठीक है, जहां पे आप टेस्ट देने और मिड टर्म देने और फाइनल पेपर देने तो यूनिवर्सिटी जाएंगे कंप्यूटर पे, बट बाकी सब कुछ इनका रिकॉर्ड होता है, जिस तरह से मैं पढ़ाऊंगा आपको कि रिकॉर्डेड लेक्चर आपके पास होंगे जूम पे लाइव क्लास, यहाँ ऐसा नहीं है, वर्चुअल पे सिर्फ रिकॉर्डेड मिलेगा, पढ़ो वढ़ो अपना जो भी है और आके टेस्ट दे दो। सही, वर्चुअल से आप कंप्यूटर भी कर सकते हैं, आप BBA भी कर सकते हैं, हर फील्ड आप कर सकते हो, बट थिंग इज कि मार्केट वैल्यू नहीं है वर्चुअल की, मतलब बहुत सारों को तो नाम ही नहीं पता, जैसे लोगों को NET का पता है, दाऊद का पता है, कराची यूनिवर्सिटी का नाम पता है, कि आप कराची में लें नाम या लाड़काना दादू सक्कर इटली कहीं पे भी आप चले जाएं, आप NET का नाम लीजिए, आप KU बोलें, लाहौर की UET का नाम लें, कॉम्सेट्स का नाम लीजिए, GIK का नाम लें, लोगों को पता है, वैल्यू बनती है इसकी। आप इंटरव्यू देने कहीं पे जाएंगे तो आप अगर उसको बताते कि जी मैं GIK का ग्रेजुएट हूँ, मैं NET का ग्रेजुएट हूँ, उसको क्रेडिबिलिटी पता चल गई कि यार ये बच्चा अच्छी यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ है, 50% गेम सेट है। अब अगर कोई स्टूडेंट वहां जाके कहते हैं कि यार मैंने वर्चुअल से पढ़ा है, फर्स्ट ऑफ ऑल वर्चुअल है किधर, लोगों को नहीं पता, एम्बिग्यूटी आ गई, पहला पॉइंट। सेकंड, अब आपको साबित करना पड़ेगा कि नहीं यार मैंने वर्चुअल से पढ़ा, यूं डिग्री की वैल्यू नहीं है, जब लोग जानते ही नहीं है तो आपको जॉब कैसे ऑफर करेंगे। एक ये बड़ा मार पड़ती है ऐसी यूनिवर्सिटी, जैसे PF KIIT है, कुछ लोगों को पता होगा इसका, कुछ को नहीं पता, अगेन इसमें भी यही मसला आ रहा है, ये अभी तक नाम एस्टेब्लिश नहीं कर सके अपना। DHS उफ्फा बहुत एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटी, अगेन लोगों को पता ही नहीं, तो बेटा यूनिवर्सिटी आपने वो लेनी है जो कि लोगों को वर्थ उसकी पता हो, आपको हाथों हाथ रखा जाए जब आपकी एडमिशन की बारी है। आई होप सो कि मैंने एक पूरा आपको ओवरव्यू दे दिया। अच्छा हमारी जो तैयारी होगी उसमें KU फर्स्ट सब कवर होता है, ठीक है, मतलब जाहिर वही तमाम चीजें, तमाम यूनिवर्सिटीज में जाओगे, PF का देना है, आर्मी का देना है, उधर भी आपको हेल्प आउट में होगा क्योंकि इंग्लिश और GK प्रॉपरली पढ़ाया जाता है। अब आपका कोई भी सवाल है सॉरी आप बिल्कुल चैट पे लिखिए, अब मैं आपको जवाब दूंगा। इनरोल कैसे होना है ये आप मुझे मैसेज कर देना, पूरा प्रोसीजर आपको समझा दूंगा। क्लासेस हमारी डेली बेसिस पर 5 क्लासेस होंगी आपकी वीकली, ठीक है, ये जो देखें मैं आपको थोड़ा सा तरीका यहाँ पे समझा देता हूँ जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं अभी, कि सबसे पहले फॉर एग्जांपल आप इंजीनियरिंग के हैं, आप मेडिकल के, आप कॉमर्स, आप कोई भी आपका बैकग्राउंड, आपको उसका पहले रिकॉर्डेड कोर्स मिल जाएगा, 1 साल के लिए वैलिड होगा, रिकॉर्डेड कोर्स मिल गया, उसमें 20-20 18-18 मिनट में हमने वीडियोस बनाई हुई सारी, वो आपको मिल जाएंगी, हेल्प आउट करेंगे। उसके बाद आपको एक स्केड्यूल प्रोवाइड किया जाएगा, उसमें आपकी 5 क्लासेस होंगी वीकली, जाहिर है एक तो GK एक इंग्लिश होगी और बाकी 3 आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो वो वीकली हुआ करेंगी, और फिर आपके 3 टेस्ट होंगे फुल लेंथ, सही है, तो ये फॉलो करेंगे 3 टेस्ट आपके।
अभी जैसे आज मैंने आपको ओवरव्यू दिया किस चीज का, केयू और उर्दू यूनिवर्सिटी का ओवरऑल, मतलब मैंने पढ़ाया आपको कुछ भी नहीं, अभी सिर्फ मैंने आपको ओवरव्यू दिया यहाँ पर। अब हमारा एक सेशन होगा कंप्यूटर की टीचर के साथ, वो सिर्फ आपको बताएंगी कि कंप्यूटर का सेक्शन कैसे लेकर चलना है। एक क्लास आपकी होगी कॉमर्स के जो सर बीकेट पढ़ा रहे हैं हमारे पास कॉलेज में, लेक्चरर भी हैं, वो बीकेट वालों को डील करेंगे कि हाँ जी बीकेट जो है वो ऐसे ऐसे करना है, इस तरह से पढ़ना होता है। और फिर एक क्लास मैं रखूंगा अपनी इंग्लिश और जीके की, यानी वो इसी तरह से कंबाइंड क्लास होगी, वो भी फ्री क्लास होगी, आपको एक आइडिया दिया जाएगा कि हम कैसे पढ़ाते हैं। तो ये अभी हमारा कुछ प्लान है इस वीक का, अगर किसी का कोई सवाल है तो वो बिल्कुल पूछ लें। कोई और सवाल है वरना व्हाट्सएप नंबर मेरा गिवन होता है, आप बिल्कुल मुझसे व्हाट्सएप पे भी इन डिटेल बात कर सकते हो। ये वीडियो इंशाल्लाह मैं अपलोड कर दूंगा डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। अगेन कोई बात भी मिस हो गई हो, कुछ और सुनना हो इसमें, और कोशिश करता हूँ कि ये PDF बना के ना ये भी मैं अपलोड कर दूँ ताकि आप लोग रीड भी कर लो जो भी चीज़ें। अब देखो ये तो